यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेबल से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो टेबल से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि टेबल का प्रथम अक्षर क्या होगा, सारणी का प्रथम अक्षर क्या होगा, यहाँ पर वन होगा। सारणी का अंतिम अक्षर क्या होगा, चार होगा। जो यहाँ पर जो उपयोग करते हैं, जैसे कि जो व्याकरण यूज करते हैं, तो पंक्ति ए का व्याकरण क्या होगा, यहाँ पर पंक्ति ए का व्याकरण ये वाला पूरा कंप्लीट व्याकरण होगा, पंक्ति ए का अंदर का लाइन का ये वाला व्याकरण पंक्ति ए का होगा। पंक्ति पांच का व्याकरण क्या होगा, पंक्ति ई का व्याकरण ये वाला पंक्ति ई का व्याकरण होगा, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। इसी तरीके से चार का ऊपरी विकर्ण पूछे तो चार का ऊपरी विकर्ण क्या होगा, ऊपरी दाहिनी विकर्ण, तो ऊपरी दाहिनी विकर्ण ये वाला होगा चार का। इसी तरीके से तीन का इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि कॉलम तीन के तीसरे नंबर या कॉलम तीन के नीचे तीसरा अंक से निचले व्याकरण का अंतिम अक्षर, तो निचले व्याकरण का अंतिम अक्षर, निचले बाएं व्याकरण का अंतिम अक्षर, तो बाएं व्याकरण क्या होगा, यहाँ पर ये वाला बाएं व्याकरण होगा, इसका अंतिम अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न का वह उत्तर होगा जो उस अंक के बाएं अंतिम अंक के सबसे नीचे अंक से व्याकरण का तीसरा अंक होगा, जो पंक्ति वन का अंतिम अंक है। तो पंक्ति वन का अंतिम अंक क्या है, ये चार। तो अब पंक्ति वन का अंतिम अंक चार है। अब यहां से क्वेश्चन हम देखें कि उत्तर क्या होगा, उस अंक के बाएं अंतिम अंक है, तो इस अंक के बाएं अंतिम अंक क्या होगा, वन होगा। अंतिम अंक के सबसे नीचे अंक से, तो अंतिम अंक के सबसे नीचे अंक क्या है, एक। नीचे अंक से तो से दे रखा है, तो इसको इंक्लूड करेंगे हम, यानी इसको हम साथ में गणेंगे। से विकर्ण का तीसरा अंक, तो से विकर्ण का तीसरा अंक है, तो से दिया हुआ है से वाले रूल में, और के वाले रूल में हमें पता है कि से वाले रूल में हम क्या करते हैं, से वाले नियम में उसको काउंट करते हैं जो नंबर दिया हुआ है। तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, और ये तीसरा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। अगर के तीसरा दिया हुआ होता, तो के तीसरा पूछा होता, तो आंसर क्या होता, हमारा वन आंसर होता। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पंक्ति डी व पंक्ति ई को देखें, तो पंक्ति डी ये रही और पंक्ति ई ये रही, दोनों को देखें और बताएं कि वह कौन सा अंक है जो पंक्ति ई में है परंतु डी में नहीं। ई में है, डी में नहीं, तो ई में है लेकिन डी में नहीं है, तो डी में कौन सा नहीं है, वन नहीं है, ये अंक बताएं। उस अंक को देखें, तो ये अंक देख लिया हमने, ये वाला अंक है वन। उस अंक के तुरंत ऊपर चार किस पंक्ति में आ रहा है, तो इसके ऊपर तुरंत चार इसमें आ रहा है, पंक्ति तीन में किस पंक्ति में आ रहा है, उस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया, इसमें चार ही आया, तो आंसर क्या होगा, चार आंसर होगा। तो आंसर क्या है, यहाँ पर चार। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखें, जैसे कि पंक्ति ए के विकर्ण के चौथे अंक, पंक्ति ए के विकर्ण के चौथे अंक के बाएं, तो पंक्ति ए का विकर्ण, एक पंक्ति ए का विकर्ण का चौथा अंक, तो विकर्ण का चौथा अंक कौन सा होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे अंक के बाएं, चौथे अंक के बाएं क्या है, तीसरा, तीन है। चौथे अंक के बाएं, पंक्ति ए के विकर्ण के चौथे अंक के बाएं, दूसरे अंक के ऊपरी तीसरे अंक के दाएं। तो यहां से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। जैसे यहां से देख लेते हैं, पंक्ति ए के विकर्ण के चौथे अंक, तो पंक्ति ए है इसके विकर्ण का चौथा अंक, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अंक, चौथा अंक के बाएं दूसरे अंक के, तो के बाएं दूसरा अंक, तो के दे रखा है, तो इसका मतलब पहला दे अंक होगा, दूसरा अंक ही होगा, के बाएं दूसरा अंक के ऊपर तीसरे अंक के दाएं, तो के ऊपर दे रखा है, तो इसको छोड़ के गिनेंगे हम, के ऊपर तीसरा अंक, तो के ऊपर तीसरा अंक क्या होगा, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा अंक, तो के ऊपर तीसरा अंक, के ऊपर तीसरा अंक, के दाएं तीसरे अंक के विकर्ण,
के दाएं तीसरा अंक, तो के दाएं तीसरा अंक क्या है, तो के वाला रूल दे रखा है, तो तीसरा अंक क्या होगा, 1 2 3, तो के दाएं तीसरा अंक है 4, तीसरे अंक के विकर्ण के अंतिम अंक के दाएं, तो विकर्ण का अंतिम अंक, इस विकर्ण का अंतिम अंक क्या होगा, ये होगा, अंतिम अंक के दाएं तीसरा अंक क्या है, तो के दे रखा है यहाँ पर तीसरा अंक है, के दाएं तीसरा अंक, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अंक क्या है यहाँ पर, 5 है, तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जैसे स्तंभ डी से नीचे की ओर बढ़े, चौथे अंक के बाएं, दूसरे अंक से ऊपर तीसरा अंक कौन सा है, तो स्तंभ डी से नीचे की ओर बढ़े, चौथे अंक से बाएं, ये अंक है चौथे अंक के बाएं, चौथे अंक के बाएं दूसरे अंक से, तो चौथे अंक के बाएं दूसरा अंक क्या होगा, ये होगा, चौथे अंक के बाएं दूसरे अंक से ऊपर तीसरा अंक, तो दूसरे अंक से ऊपर तीसरा अंक क्या है, सीधे रखा है, तो इसका मतलब पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, छह तीसरा अंक कौन सा होगा, 3 होगा, 3 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो टेबल वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें इसमें ध्यान रखना है के और सी का रूल, विकर्णों की संख्या हमें ध्यान रखनी है, और दाएं से बाएं हमें ध्यान रखना है। तो हम इस प्रॉब्लम को, ये जो भी प्रॉब्लम दे रखी है उनको सॉल्व कर लेते हैं, और इन जो क्वेश्चन है इनका PDF है सॉल्यूशन के साथ में, जैसे कि ये आंसर जो टिक लगाए हुए हैं या दिखाया हुआ है, इसके साथ में PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया जाएगा।